एक्स्ट्रा गुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो शिक्षा प्रद है, ये केवल शिक्षा के लिए है। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर के बनने का योग कौन सा होता है, चिकित्सा यानी मेडिकल लाइन में जाने वाले कौन से ग्रह होते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन के छात्र हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें, और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल के हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक वीडियो शिक्षाप्रद है ज्योतिष के माध्यम से लेकर के। और इस ज्योतिष के विषय को हम अकेले अपने विचारों से नहीं, अनेक ज्योतिषियों के विचारों से मिलकर के आपको विचार देते हैं। आइए हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल लाइन में पढ़ने वाले जातक कैसे होते हैं। देखिए, जातक के माता पिता हमेशा अपने बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र के चुनाव के बारे में चिंताग्रसित रहा करते हैं, और ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि उनका बच्चा कौन सी लाइन में पढ़ेगा और क्या उपलब्धता प्राप्त करेगा। इसके लिए ज्योतिषी मार्गदर्शन एक वरदान साबित होता है, क्योंकि ज्योतिषीय मार्गदर्शन उसकी शिक्षा के क्षेत्र को चुनाव के लिए काफ़ी सहायता कर सकता है, क्योंकि ये ज्योतिष विज्ञान उसके लिए सफलता का क्षेत्र विशेष बताने में काफ़ी हद तक सक्षम है। देखिए, चिकित्सा और मेडिकल से रिलेटेड ग्रहों के अनुपात को देखते हैं। नंबर एक, अगर मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला लग्न है तो ऐसे जातक मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करते हैं। नंबर दो, अगर शनि बुध मंगल और सूर्य दशम या पंचम भाव से संबंध रखते हों और गुरु केंद्र में हो तो जातक मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करते हैं। नंबर तीन, शनि मंगल की युति हो और गुरु के साथ केंद्र में राशि परिवर्तन हो तो जातक मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करता है। इसकी विशेष जानकारी के लिए हम आपको एक जन्म कुंडली दे रहे हैं। ये एक पुरुष की कुंडली है जिसका 4 नवंबर 1945 में 4 बजे जन्म हुआ, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। देखिए, इस कुंडली में दो शुभ और बलवान ग्रह गुरु और शुक्र लग्न में बैठे हैं। जब गुरु लग्न में बैठा हो तो वह कुंडली के चारों केंद्रों पर अमृत वर्षा करता है, जिसके कारण चारों केंद्र और त्रिकोण भाव पर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि है। इस कुंडली के लग्न भाव और शिक्षा के भाव पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है, जिसके कारण जातक में धैर्य गंभीरता का भाव बना हुआ है, और चिकित्सा का कारक ग्रह मंगल होता है, उसकी दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण जातक ने चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करके आँखों के सर्जन के रूप में विदेशों में सफलता प्राप्त की है। तो इस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के जन्म कुंडली में जानना चाहते हैं तो विशेष तौर से अपने ग्रहों का अवलोकन अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार इसी वीडियो के साथ।